नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। स्कंद देव की माँ होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं, जिनके एक हाथ में कार्तिकेय और दो भुजाओं में कमल का पुष्प दिखाया गया है। माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों में केवल स्कंद माँ के दो हाथों में कमल का पुष्प सुशोभित है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे कमल पुष्प समान संपूर्ण पवित्र तो हैं ही, साथ ही पवित्रता और राज्यों के बल से ही वे स्कंद की माँ बनी। उनके वरद हस्त संसार के समस्त मानव जाति को वरदानों की प्राप्ति कराने की निशानी है। तो आइए हम सभी जिस तरह माँ दुर्गा के माँ के स्वरूप की आराधना करते हैं, उसी तरह आज से ये संकल्प लें कि संसार की सभी नारियों का हम ऐसे ही सम्मान करेंगे, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव रख उनके कल्याण की कामना करेंगे और कमल पुष्प समान पवित्र बनेंगे। ऐसा करने पर माँ स्कंद माता प्रसन्न होंगी और हमारा मन निर्मल बनेगा, इसके साथ ही संसार के सभी दुखों से भी मुक्ति मिलेगी।